दीपावली महोत्सव का समापन अन्नकूट से होता है और इस अवसर पर गो क्रीड़ा भी होती है मंदिरों में और खेकरा जिसे आमतौर पर कहा जाता है विविध मनोरथ होते हैं ठाकुर जी के मंदिर में। जगन्नाथ स्वामी का मंदिर हो, श्रीनाथ जी का मंदिर हो, कुंड मंदिर हो या अन्य मंदिर हो, सभी जगह मनोरथ होते हैं ठाकुर जी के और ठाट बाट से ठाकुर जी को विविध मिष्ठान आदि का भोग धराया जाता है। देखिए हमारे साथ ये खास पेशकश। दीपावली महोत्सव का समापन अन्नकूट के साथ हुआ, विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट के दर्शन हुए और भक्तों की भीड़ उमड़ी। मंदिरों में ठाकुर जी को अन्नकूट का भोग धराया गया। उदयपुर के माँ लक्ष्मी मंदिर, जगदीश मंदिर और कुंड मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में ठाकुर जी को विभिन्न मिष्ठान आदि का भोग धराया गया और भक्तों ने खूब ठाट बाट के साथ दर्शन किए। ठाकुर जी के इस मनोरथ के दर्शन से भक्तों के कई कष्ट दूर होते हैं। ठाकुर जी के मंदिर में आरती की गई और विशेष रूप से भक्तों ने प्रार्थना की। इस अवसर पर भक्तों को ठाकुर जी का प्रसाद भी वितरण किया गया। हम चलते हैं उदयपुर के श्री महालक्ष्मी जी के मंदिर में। वहाँ दीपावली का महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और उदयपुर के महालक्ष्मी जी मंदिर में हैं। इस बार कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज अन्नकूट का दिन है, महालक्ष्मी जी के विशेष श्रृंगार धराया गया है और जो भोग प्रसाद बना है वो माँ लक्ष्मी जी के सम्मुख धराया गया है। इस अवसर पर क्या खास इंतजाम रहे इसके लिए हम मधुसूदन जी हैं, आप बताएं किस तरह के इंतजाम किए गए इस बार दीपावली के अवसर पे। वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन निर्धारित की है उसके अनुसार में हमने जिला प्रशासन के साथ मीटिंग की जी। और जिला प्रशासन ने यह अवगत कराया कि भाई रोड के ऊपर आप कोई भी लाइटिंग वगैरह टेंट डेकोरेशन नहीं कर सकते हैं। हाँ। जिससे पब्लिक आकर्षित होकर के और पब्लिक यहाँ पर है तो दर्शनार्थ तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे सोशल डिस्टेंसिंग और पालना हो सके। तो उसके अनुसार हमने सबसे पहले प्रयास ये किया कि माता जी के चार दिनों के जो दीपोत्सव महोत्सव है इसका ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की हमने और उससे करीब अभी तक 3 लाख दर्शनार्थियों ने उसका लाभ उठाया है। और दूसरा जो हमने इसमें किया है प्रयास वो एक मंदिर का सभा मंडप छोटा है तो सोशल डिस्टेंसिंग किस प्रकार मेंटेन रह सके इसके लिए हमने मुख्य द्वार के ऊपर ही हमने एक ग्लास लगवा दिया है 4x4 फीट का ताकि मंदिर में कोई दर्शनार्थी प्रवेश नहीं कर सके और वो सीधे रोड से ही सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए और माता जी के दर्शनों का लाभ ले। और इस प्रकार से ये 4 दिन का महोत्सव आज अंतिम पड़ाव पर है और माता जी का आज तो बहुत धराया गया, इसे श्रृंगार किया गया माता जी का और यह श्रृंगार और ये भोग माता जी को धराया गया। आज माता जी को विशेष श्रृंगार धराया गया है, क्या माता जी को विशेष श्रृंगार धराया गया है और किस प्रकार से अन्नकूट की व्यवस्था की गई। देखिए आज अन्नकूट के दिन प्राचीन समय से
माता जी को केसरिया वेश धारण कराया जाता है और स्वर्ण आभूषण से सुशोभित किया जाता है। माता जी का आप वेश देख रहे हैं, केसरिया कलर का हाथ से बनाया गया वेश है और इस अवसर पर माता जी को जो भोग धराया गया है ये अन्नकूट के अवसर पर वर्षों से केसरिया वेश ही धारण किया जाता है और वही हमने उस परिपाटी का पालन करते हुए माता जी को श्रृंगारित किया है। जी बताएं, क्या अन्नकूट की क्या व्यवस्था की गई है? अन्नकूट की व्यवस्था माता जी के ट्रस्ट के फंड से व्यवस्था की गई है और हमने अन्नकूट वितरण नहीं करने का निर्णय लिया है। और जो माता जी का प्रसाद अब तक बनता हुआ आ रहा था लेकिन इस कोरोना महामारी की वजह से बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में माता जी को प्रसाद धराया गया, लेकिन प्रसाद सभी तरह की वेराइटी इसमें ले रखी है। हमने टोकन जारी नहीं किया, टोकन हमने इसके लिए चंदे के लिए टोकन हमने जारी नहीं किया प्रसाद के लिए, प्रसाद का निर्माण किया गया है। जी बताएं, आज हम लक्ष्मी जी के मंदिर दर्शन करने आए हैं, अन्नकूट के दर्शन हुए हैं और बहुत अच्छा, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं और ये पहले जैसे कुछ भी ऐसे भीड़ नहीं है। हल्के में ही होने की ऐसे होने चाहिए, इससे भीड़ भाड़ भी कम होती है, आराम से दर्शन होते हैं। बाकी अन्य जगह तो कम होती है, वो ज़्यादा दर्शन बहुत बढ़िया हो रहे हैं। जिलों की नगरी उदयपुर में जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में अन्नकूट का मनोरथ हुआ है और हमारे साथ में पुजारी जी राम गोपाल जी हैं, इन्हीं से जानेंगे जिस तरह से मनोरथ हुआ है ठाकुर जी का, क्या कहना है आपका? जी भगवान के चार तीन दिन का महोत्सव चलता है, धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली। दीपावली के बाद खेकड़ा होता है और गौ पूजन होती है, इस तरह से गोवर्धन जी बनाए जाते हैं और भगवान जगदीश और सभी मंदिरों में लक्ष्मी जी, शिवनाथ जी, जो भी भगवान कुंड है स्थल है यहाँ अन्नकूट किया जाता है। हमारे भगवान जगन्नाथ राय जी के मंदिर में अन्नकूट सजाया गया, भगवान को तरह तरह के सभी तरह के व्यंजन मिठाइयाँ आदि और अन्न से बना हुआ मक्की की रोटी, कढ़ी, इस तरह से सभी सब्जियाँ जो चौमासे में भगवान से शुरू होती है, कोहरा, बैंगन, गोभी, इस तरह मूली, पत्ता गोभी, पालक, मेथी, इन सब का विशेषकर कच्ची सामग्री अन्नकूट में रोकी जाती है। माखन, मिश्री, अन्यता सभी तरह के भगवान के भोग लगाया जाता है, जो हमने ये धरता रखा है और भगवान को भोग लगाया, इस तरह से भगवान के अन्नकूट किया जाता है। मैं राम गोपाल पुजारी वंशानुगत सेवा वंशानुगत की बोल जगन्नाथ स्वामी। जी बताएं, मेरा नाम टीना सोनी है, आज मैं जगन्नाथ स्वामी के मंदिर आई हूँ। आज यहाँ जगन्नाथ स्वामी के अन्नकूट के दर्शन है, अन्नकूट के दर्शन करने बहुत लाभ होता है, धन धान्य परिपूर्ण रहता है घर में। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? आज जगन्नाथ स्वामी के दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं, कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे चहल पहल नहीं है, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं अन्नकूट के। दीपावली महोत्सव का समापन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट से होता है। अन्नकूट यानी कि 56 भोग ठाकुर जी को अरोगाया जाता है, ऐसा शास्त्रों में मान्यता है कि 56 भोग के दर्शन से ही वर्ष भर तक अन्न और धन धान्य की घर में कमी नहीं रहती है और इसके दर्शन करने से ही विशेष रूप से लाभ होता है। इसलिए जो भी भक्त होता है वो ठाकुर जी के 56 भोगों और अन्नकूट के दर्शन अवश्य करता है। जी बताएं, क्या कहना है आपका? पूज्यपाद तिलकायत महाराज श्री और विशाल बाबा की आज्ञा से प्रतिवर्ष श्रीनाथ जी मंदिर उदयपुर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है, पंचदिवसीय महोत्सव का आयोजन होता है। इस बार कोरोना महामारी के चलते आयोजन को राज्य सरकार की और महाराष्ट्र की आज्ञा से गाइडलाइन की पालना करते हुए दर्शन व्यवस्था की गई और सफलतापूर्वक सारा आयोजन हुआ। वैष्णव ने खूब आनंद लिया, गोवर्धन पूजा महाराष्ट्र की आज्ञा से बाहर गोवर्धन पूजा चौक में की गई,
और अभी अन्नकूट के दर्शन हुए, वैष्णव ने महाप्रसाद भी लिया और सुंदर आयोजन हुआ। जी बताएं क्या नाम है और कहाँ से आए? नमस्ते, मैं पूर्वा, मैं उदयपुर से हूँ और हमारे यहाँ श्रीनाथ जी ठाकुर जी का मंदिर है और वहाँ पे आज अन्नकूट है। दिवाली का दूसरा दिन है, राम राम। उस दिन 56 भोग बनते हैं और एकदम सात्विक खाना बनता है घी में। और सात्विक खाना इसलिए बनता है क्योंकि सात्विक खाने से आपका मन भी सात्विक रहता है और आपके आपको गुस्सा नहीं आता है सात्विक खाना खाने से। तो इस वजह से जो भी ठाकुर जी का खाना बनता है वो एकदम शुद्ध घी में सात्विक बनता है ताकि हमारा मन खुश रहे और इस तरह से हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे। नमस्ते, आप बताएं क्या कहना? जी, मेरा नाम अथर्व चौहान है और मैं उदयपुर से हूँ। ठाकुर जी का हर साल ऐसा रहा है कि ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण जो हमेशा से ही लाड़ लड़ाना, रासलीला रचना, ये इनकी बिल्कुल रही है। तो कल दिवाली का पर्व और आज खेकरे का पर्व, आज इस खेकरे के पर्व पे ठाकुर जी जो अन्नकूट रोकते हैं, इस अन्नकूट से हमको यही होता है कि ठाकुर जी जो हैं वो राम राज्य प्रसन्न करते हैं। वो चाहते हैं कि तुम कमाओ, तुम अपने भक्त, तुम अपने मन में बहुत अच्छी श्रद्धा रखो, आस्था रखो मेरे प्रति, बिल्कुल निष्ठा, कभी किसी का बुरा मत चाहो और जितना कमाओ उसमें से मुझे अपना आधा भागीदारी बनाओ। जितना मुझे बनाओगे मैं तुमको उतना आबाद करूँगा। मैं बस इसी दर्शन की और इसी आस्था में आप विलीन हो जाएं, आगे जीवन बिल्कुल सफल है। अन्नकूट के दर्शन किए, क्या महत्व है अन्नकूट का जीवन में? जीवन में अन्नकूट का महत्व यह है कि आज के दिन भगवान जो एक दीपावली के पश्चात जो उल्लास और उमंग का और जो आनंद का उत्सव है उसको विभिन्न व्यंजनों और 56 भोग से भगवान उसको साकार करते हैं तथा जीवन में आनंद और उल्लास की एक परिचायक के रूप में और लोगों को स्वादिष्ट व्यंजन और भोजन का जो वो है, अलग अलग किस्म है या वैरायटी है, उनका रसो स्वादन करने के लिए भगवान ने ये लीला रची है और ये इससे एक परिचय दिया है कि सुख समृद्धि, वैभव और संपन्नता के साथ साथ जीवन में अच्छे स्वास्थ्य को रखने के लिए अच्छे भोजन का भी महत्व है, अच्छे भोजन का भी आनंद लेना चाहिए। आप बताएं क्या कहना? अन्नकूट जो है वो हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा त्यौहार, 5 दिवसीय दीपोत्सव त्यौहार जो है उसकी शुरुआत के साथ, अब आने वाली जो ऋतु है शीत ऋतु, उस शीत ऋतु में ठाकुर जी आम वैष्णव को इस बात का वो एक कहना चाहिए कि प्रतीकात्मक संकेत देते हैं कि अब आप सभी प्रकार के व्यंजनों का सेवन कर सकते हैं और शीत ऋतु के अंदर विभिन्न व्यंजनों को भोजन को स्वीकार करने से और ग्रहण करने से मेरा शरीर पुष्ट रहता है। तो ये परंपरा जो है आज से शुरू हो गई है। तो अब आप समझें कि जब तक शीत ऋतु में वापस मलमास नहीं आएगा तब तक मतलब ये कि हम शादियाँ वगैरह जो भी होंगी उनमें अच्छे भोजन का आनंद ले सकेंगे। क्या कहना है आपका? सभी वैष्णवों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय श्री कृष्ण। अन्नकूट के दर्शन करने से ऐसी मान्यता है कि साल भर हमारे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है, इसलिए अन्नकूट के दर्शन अवश्य करने चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम मुकेश अरोड़ा, मूल निवासी यहाँ मोचीवाड़ा का रहने वाला हूँ। अभी फिलहाल सेक्टर 14 रह रहा हूँ हवा मंदिर में और श्रीनाथ जी के दर्शन हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। अन्नकूट का महोत्सव बहुत ही बढ़िया होता है। ये पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए 7 मंदिर कहलाते हैं, श्रीनाथ जी, विठलनाथ जी, ये गणराव जी घाटी पे है, सीताराम राम लक्ष्मण मंदिर है, ऊपर गोकुल चंद्रमा जी का है, जो पुराना मंदिर जो है ना सिटी पैलेस रोड पे। आज जो दर्शन किए आप, वहाँ पर भी थी कि अन्नकूट का भव्य आयोजन जो है बहुत ही बढ़िया। कोरोना की वजह से अभी पब्लिक देखने को नहीं मिल रही है, बाकी तो यहाँ पाँव देने की जगह नहीं होती है, इतने बढ़िया दर्शन होते हैं। हम आप बताओ सब परिवार आते हैं दर्शन करने। आप क्या कहें? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, हम भी आते हैं हर साल आते हैं दर्शन। जी बताएं। तिलकायत महाराष्ट्र की व विशाल बाबा की आज्ञा से और श्रीनाथ जी में आज गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया गया। उसके बाद में यहाँ अन्नकूट का मनोरथ हुआ, उसमें प्रभु ने विविध सामग्री आरोगी, उसके बाद में सभी वैष्णवों को लाभ मिले, उसके
लिए यहाँ के भंडारी साहब ने ये प्रसाद बाहर विराज के और सबको वितरित किया और सभी वैष्णवों को लाभ मिला। इसके लिए भंडारी साहब बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना पारिक है और आज का जो अन्नकूट का मनोरथ है बहुत ही सुंदर और अलौकिक दर्शन हुए हैं। आज के दिन का बहुत ही इंतजार रहता है क्योंकि अन्नकूट साल में एक ही बार होता है, तो आज जो दर्शन होते हैं कुल्हे जोड़ गोकर्ण, ये बहुत ही सुंदर तरीके से जो उनका श्रृंगार होता है बहुत ही सुंदर लगता है। ये क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी पारिक है। अन्नकूट के बारे में तो ठाकुर जी का बहुत ज़्यादा ऐसे रहता है कि अन्नकूट महोत्सव ही अपने आप में एक बहुत बड़ा महोत्सव है। इसमें ठाकुर जी ने किसी भी मनुष्य में भेदभाव नहीं किया है, ठाकुर जी के लिए सब कोई बराबर है। ये महोत्सव बहुत बड़ा रहता है। जी बताएं, क्या नाम है आपका? सोनिया कुमार। हाँ, आप बताएं किसके दर्शन किए? ठाकुर जी के, श्रीनाथ जी के। हाँ, क्या आयोजन था? 56 भोग था। हाँ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। जी बताएं, क्या कहना है? रेखा माहेश्वरी, आज अन्नकूट के दूसरे दिन के जो आज नया वर्ष भी है और अन्नकूट के दर्शन हुए प्रभु के, ठाकुर जी, और कहा जाता है कि ऐसे भगवान ने 7-8 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो 8 दिन तक वो भूखे और प्यासे रहे थे, तो आज इसीलिए उनके लिए 8 दिन से 8 मल्टीप्लाई 8 करो तो 8 दिन में 8 बार भोग लगा लेते हैं, तो इसी मतलब 56 भोग का भोग जलाया जाता है ठाकुर जी को। और आज खुशी का पर्व है तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बताओ, क्या किसके दर्शन किए? श्री जी बाबा के दर्शन किए ना, श्रीनाथ जी के। आज क्या उत्सव है? आज ये है ना, दीपावली के बाद आज अन्नकूट का उत्सव होता है। ठाकुर जी को भोग लगता है सब। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते? ठाकुर जी का अन्नकूट का दर्शन हुए श्रीनाथ जी के बारे में तो बहुत बढ़िया दर्शन हो रहे हैं और जो भी अधिकारी जी ने सुविधा करेगी वो अच्छी करेगी। और सब जगह आराम से दर्शन हो रहे हैं, आराम से दर्शन हो रहे हैं और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। जय महादेव। अन्नकूट के बारे में बताओ, आज आपने किसके दर्शन किए? आज आपने किसके दर्शन किए? ये सिन्हा जी दर्शन किए अन्नकूट के। हाँ, ये क्या है, ये परंपरा वर्षों से चले आ रही है। दिवाली के बाद अन्नकूट होता है जो सिन्हा जी में बहुत बड़ा उत्सव होता है, इसलिए यहाँ पे आज जो अन्नकूट हुआ है लोगों की व्यवस्था अच्छी बना रखी है और अपना डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के अपना दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। जय श्री कृष्णा, मेरा नाम हीना है और आज मैं उदयपुर श्रीनाथ जी मंदिर के यहाँ खड़ी हूँ। आज अन्नकूट के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, सौभाग्य के आज हमें दर्शन हो गए हैं। धन्यवाद। किसके दर्शन किए अभी कौन सा दर्शन किए? अन्नकूट के किए हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? सुनील पारेख। अच्छा, क्या कहना है आपका? कहना, दर्शन किए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, दर्शन आराम से हो रहे हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी है और सबको आराम से दर्शन हो रहे हैं। आज अन्नकूट के दर्शन में बहुत आनंद आया, व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि जितनी तारीफ करो उतनी कम है और वैष्णव जन ने आराम से एक एक करके दर्शन किए हैं और दर्शन का लाभ उठाए। आप बताओ, सभी जनों ने आराम से दर्शन किए, मंदिर मंडल की व्यवस्थाएं भी बहुत काफ़ी अच्छी सुंदर तरीके से सभी दर्शनार्थियों को दर्शन करा रहे हैं। जी बताएं, क्या कहना? आज ठाकुर जी के अन्नकूट के बहुत ही बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। हाँ, और ठाकुर जी के कोरोना में भी बहुत ठाठ चालू हो गए हैं और आगे भी ठाठ ठाकुर जी करते रहेंगे और दुनिया को वापस पुराने डर्रे में लाएंगे। जी बताएं, क्या कहना है? आज अन्नकूट के काफ़ी अच्छे दर्शन हुए थे यहाँ पे और यहाँ मतलब काफ़ी मन प्रसन्न हुआ था, अपने घर की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है इससे और घर में कभी धन धान खान पान की कमी नहीं होती है। जी, ठाकुर जी के 56 भोग के और अन्नकूट के दर्शन कर एक अजीब सी अभिव्यक्ति और मन में शांति और आनंद की प्राप्ति होती है
तो वर्ष प्रतिदिन के दर्शन को करते हुए ऐसा लगता है कि प्रभु श्री जी बाबा अपनी 56 भोग के इस भव्य मनोरथ में विराज हैं। अटड़ी के दर्शन किए शानदार ढंग से, बहुत आनंद की प्राप्ति हुई है। सभी वैष्णवों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। पूजा करते हैं श्री कृष्ण भगवान गोर्धन उठाया है और उनको भगवान के सब 56 ही भोग बना के उनको भगवान के भोग धराया है, इसलिए आज अंकोट के दर्शन होते हैं। हमारे हिंदू धर्म के पर्व के अनुसार गोर्धन पूजा की जाती है, वो भगवान श्री कृष्ण की गायों को सिंगारा जाता है और श्री कृष्ण की गायों के द्वारा हमारे गोर्धन जी को गजरा जाता है और उसकी कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए उनके आज अंकुट और उनकी गायों का श्रृंगार किया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में हमारे हिंदू धर्म में यह पर्व मनाया जी। क्या कहना आपका? उसमें अच्छे से बहुत हाँ मजा आया, भीड़भाड़ भी इतनी कम नहीं है। आप बताओ आप क्या कहना चाहते? बहुत अच्छे दर्शन हुए, सिस्टम ठीक था सारा ही, और बहुत ही अच्छे राजभोग के दर्शन हुए अंकुट के। जी बताएं, क्या अंकुट की क्या महत्ता है? सबसे पहले ब्रजवासी और नंद बाबा यशोदा सब जितने भी ग्वालवाल हैं वो इंद्र देवता की पूजा करते थे। उनको ये था कि इंद्र बरसात करता है तो हमारी गायों के चारा होता है, अन्न होता है, हमें दूध मिलता है, सब मिलता है, तो इंद्र की पूजा करते थे हमेशा। तो ठाकुर जी ने कहा कि ये तो अन्याय से कर रहे हैं, इंद्र की पूजा किस बात की, इंद्र तो खाली देवता है, ऐसे तो कई इंद्र हैं। तो उन्होंने मना किया कि नहीं ऐसा करो, मेरी एक बात है, मेरे को स्वप्न में ऐसा पता लगा, यूँ ऐसा करके बताया उन्होंने कि गिरिराज जी की पूजा करो, तो गिरिराज जी ही हमारे चारा देंगे गाय को, हमारे सबको गाय फलेगी फूलेगी और हमारी रक्षा भी वही करेंगे। ये देवों का देव है। इंद्र को कभी आपने वहाँ भोजन करते देखा है क्या? तो कि नहीं देखा। तो कि ये गिरिराज जी की पूजा करो तो गिरिराज जी आपके सामने भोजन करेंगे, आपकी बलि को गिरिराज जी भी लेंगे। तो उन्होंने सबकी सबको बात मानी, फिर वो बैठाए सब लोगों को और कहा कि काना जो कह रहा है वो बात सही है। तो उन्होंने कहा कि फिर अपन सब तैयारी करो अपने अपने घर में। तो सब ने बहुत तैयारियाँ करी और सब अंकुर को तो जितने थे सब घर घर से चीज़ें बना के लाए और गिरिराज जी का पूजन किया। और वहीं ठाकुर जी ने गिरिराज जी का स्वरूप लेकर के और वो सहस्त्र पूजाएँ करके सबकी सामग्री अरोगी। और एक बदरोला जो है वो वृषभान जी के घर पे रह गई थी नौकरानी, वो नहीं आ सकी काम से, रह गई तो उसको बड़ा ताप हुआ। तो ठाकुर जी ने एक पूजा लंबी करके उसका भी भोजन अरोग लिया ऐसे। और फिर वो सबको बताया देखो वही तो रोकने वाला और वही गिरिराज और वही एक काना दोनों साथ में खड़े हैं। उसके बाद इंद्र को कोप हुआ कि मेरी बलि अभी तक क्यों नहीं आई, तो उसने मेघों को भेजा कि सबको तबाह कर दो, सबको बरसा दो और पूरे ब्रज को डुबा दो। तो इतनी बरसात हुई तो ठाकुर जी ने कहा वो सबको बचाओ बचाओ हमको क्या करें बचाओ बचाओ। तो उन्होंने कहा कि चलो सब इधर आ जाओ। तो वो गिरिराज जी को अपनी चक्की उंगली पे उठा लिया और जितने पशु पक्षी वगैरह वो तोता गाय स्त्री पुरुष सबको गिरिराज जी के नीचे ले लिया और 7 दिन तक गिरिराज धारण करके रखा और सबको बचा दिया। तो उस वक्त इंद्र घबरा गया कि ये कौन है मेरे उस पर कोई, वो मेघ भी थक गए, जब थक गए ऊपर जाके बोले कि हम तो कुछ नहीं बिगाड़ सके। तब इंद्र को पता लगा कि ये तो कोई है, तब वो आया और ठाकुर जी के पांव पड़ा, सुरभी गाय की पूंछ पकड़ के आया और ठाकुर जी के पांव पड़ा। तो भी ठाकुर जी ने उसके कहा कि तेने हमारे को अन्न तो सब लाए, भोजन तो सब लाए, पर जल किसी ने नहीं लिया था, तेने हमारे को जल सी सेवा करी है, इसलिए मैं तेरे पे बहुत प्रसन्न हूँ और तेरी इस काने की वजह से सब मेरे पास आ गए, तेने सबको नज़दीक किया है, मैं तेरे पे बहुत प्रसन्न हूँ। उन्होंने वरद हंस रखा, अपनी खुद की माला उतार करके इंद्र को पहनाई और इस वजह से, और इतना अन्न बना के आए थे जो उसका कोट हो गया था अन्न का, उसके लिए कहते अन्नकोट।